दोस्तों आपके सामने स्टॉक खुला ही स्टॉक है अडानी टोटल गैस का, ATGL जिसका NSE कोड है। इस स्टॉक का ये चार्ट 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट में इस स्टॉक का जो लो हमें दिखाई दे रहा है वो दे रहा है 708, लगभग 708 रुपये का, और इसने हाई जो बनाया है वो बनाया है 773 रुपये का। तो लगभग ये तेज़ी हम लोग मान सकते हैं कि 10% के आसपास की तेज़ी है, और ये जो तेज़ी आई है आज इस स्टॉक में। देखिए, कभी भी कोई स्टॉक न्यूज़ में होता है तो उस स्टॉक की न्यूज़ से हमें सिर्फ चार्ट एनालिसिस करनी चाहिए, उस न्यूज़ के बेसिस पर हमें किसी स्टॉक में एंट्री या फिर किसी स्टॉक से एग्जिट हो जाना वो न्यूज़ के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, वो आपके चार्ट के बेसिस पर होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ चार्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और चार्ट एनालिसिस पर परफेक्शन आए बिना, आपकी चार्ट पर परफेक्शन आए बिना, आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न पर परफेक्शन आए बिना आप स्टॉक मार्केट से दूरी रहें तो अच्छा है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली बेसिस पे जो भी स्टॉक न्यूज़ में होते हैं उनकी चार्ट एनालिसिस मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चार्ट में धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। तो ATGL अडानी टोटल गैस का ये स्टॉक एक दिन में लगभग 10% की तेज़ी, तो लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक कहीं ना कहीं मोमेंटम वाला स्टॉक है, स्टॉक ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है, तो हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्या वास्तव में ये तेज़ी जायज़ है या ये तेज़ी एक इन्वेस्टर्स को फंसाने का या फिर कुछ एक ट्रैप है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अडानी का वीकली चार्ट देख लेते हैं, अडानी का हमें वीकली चार्ट किस तरह से दिख रहा है। देखिए, अडानी का ये वही स्टॉक है 4000 रुपये का हुआ करता था, और यहाँ आके अडानी का स्टॉक कितने का हो गया, इसने लो बनाया है 523 रुपये का, और 523 रुपये का ये वीकली चार्ट है। तो अडानी की जो तेज़ी है, मीन एक सपोर्ट पे स्टॉक कहीं ना कहीं ये आता नज़र आ रहा है, मतलब 527 और फिर स्टॉक ने फिर इससे हाई बनाया 1200 रुपये के आसपास, मीन ठीक डबल हो गया स्टॉक। और ये वीकली कैंडल्स आप देख रहे हैं, हम 2 हफ्तों में स्टॉक डबल हुआ है, किसी ने एंट्री ली होगी, शायद ही किसी ने एंट्री नहीं ली होगी। और मैं ये समझता हूँ ये फरवरी 2023 का स्टॉक है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी इस स्टॉक के अंदर और अडानी के सारे स्टॉक गिरे थे, तभी ये टोटल गैस का स्टॉक है। मतलब 2-3 हफ्तों में, 4 हफ्तों की ये कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है, 4 हफ्तों में स्टॉक धराशायी हो गया था, 4000 से स्टॉक 500-700 रुपये का स्टॉक रह गया था। अब फिर से एक दिन में जो तेज़ी बनी है 10% की तेज़ी, तो यहाँ पर जो तेज़ी बनी है उसके पीछे का रीज़न क्या है और ये जस्टिफाई हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर तेज़ी बनी है तो टेक्निकली क्या ये तेज़ी ठीक है, हम मान सकते हैं कि अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस करें, यहाँ पर ट्रेंड डालें, तो ये सपोर्ट कहीं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जैसा यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कि ये लेवल है सपोर्ट वाला लेवल, मीन अगर दोबारा से स्टॉक आता है इसी प्राइस पे तो लोगों को लग रहा होगा कि अभी इस स्टॉक ने जो हाई बनाया है वो 1262 रुपये के आसपास का हाई बनाया है, और आज 700 रुपये के आसपास ये स्टॉक खुल गया है, तो लगभग 500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट तो लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये स्टॉक का सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। सपोर्ट पे लोग स्टॉक को हंट करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट पे लोग स्टॉक खरीदने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक इनको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट पे मिल रहा है तो इस स्टॉक को बाय किया जाए। तो ये तेज़ी जो है बनी हुई है, ये जो कैंडल देख रहे हैं वीकली कैंडल है, एक हफ्ते में नहीं बनी है ये तेज़ी, एक हफ्ते में बनी है। आज के डेली चार्ट देख लेते हैं तो डेली चार्ट पे आपको एक बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए, अब आपको चार्ट ठीक से नज़र आ रहा होगा, है ना। तो एक यहाँ पर रिवर्सल जो है ना, वो एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो चाहता है कि वो स्टॉक को उन प्राइस पे खरीदे जिस प्राइस पे वो स्टॉक जस्टिफाई हो, कहीं ना कहीं सपोर्ट पे खरीदे, कहीं ना कहीं वो स्टॉक को रेजिस्टेंस पे ही बेचे। तो अभी यहाँ पे देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग इस तरह का रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अडानी टोटल का ये जो स्टॉक है जो 685 के आसपास का लो बना रहा है, यहाँ पे लोग से बाइंग आनी स्टार्ट हुई, यहाँ से बाइंग आने का जो रीज़न है कि ये स्टॉक ट्रेंड है, एक जो ये ट्रेंड है डेवलप कर रहा है, क्योंकि स्टॉक अपना यहाँ पे सपोर्ट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पहला जो लो बनाया है इसने यहाँ 526 रुपये का बनाया है, और ये कंसीडर किया जाएगा कि इसके जैसे लो जैसा, ये सेकंड लो है, जो ट्रेंडिंग स्टॉक होते हैं लोअर हाइज फॉर्मेशन की यहाँ पे उम्मीद करके लोगों ने इस स्टॉक को यहाँ पे बाय किया। ये हालांकि आप लोग डेली चार्ट देख रहे हैं, अब यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा झिझकेगा कि भाई हम कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, पहले 4000 का स्टॉक, 4000 का हाई, फिर 1200 का हाई, अब 720 का हाई हो गया, यहाँ पे 686 के आसपास का, 688 रुपये के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है, और सपोर्ट से स्टॉक यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
टाइम फ्रेम इंट्राडे के अंदर ये स्टॉक तो ट्रेड करना ही बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब पूरा ट्रेडिंग सेशन निकल गया तो बाद में अगर हम लोग 5 मिनट का चार्ट देखें तो 5 मिनट के चार्ट में आज की ये मार्केट है, आज की मार्केट ओपन होती है 24th मार्केट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस देखे 714 की प्राइस को ब्रेक करके 5-7 कैंडल बनाई इसने ऊपर और यहाँ से स्टॉक मूव कर गया, तो इंट्राडे में लोगों ने इसको पकड़ पाया और बहुत मुश्किल बात है। लेकिन कहीं ना कहीं तो इस स्टॉक में हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जाता तो दिखाई दे सकता रहा है, हो सकता है 1200 के आसपास का दोबारा से ये टारगेट देखे जाए। लेकिन हमें इस स्टॉक के लिए हमें जो सेटअप चाहिए होता है, अगर आप डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर आपका क्या कोई सेटअप बना, हम लोग देखते हैं मेरा सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए डेली चार्ट पर अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो इन तेजी को देख के और यहाँ पे आरएसए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आरएसए का पे अभी हमें रेजिस्टेंस है, मिलने दीजिए, मौके बहुत सारे मिलते हैं। आरएसआई जो बता रहा है अभी आरएसए अंडर 50 चल रहा है, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने के लिए इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए कि भाई एक कैंडल यहाँ पे बनी और इस कैंडल के भरोसे आप इस किसी स्टॉक को बाय कर लें या सेल कर लें, सिर्फ एक कैंडल काफ़ी नहीं होती, हमें एक पैटर्न चाहिए, हमें एक ट्रेंड चाहिए, तभी स्टॉक में हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग उस स्टॉक में जायज समझते हैं। एक कैंडल बने, ऐसे बहुत सारी कैंडल बनी थी, देखिए ये ट्रैप करने वाली एक कैंडल बनी थी, इससे बड़ी कैंडल है शायद, तो मार्केट में ऊपर जाके स्टॉक फिर से नीचे आ गया, इस तरह की बहुत सारी कैंडल आपको मिल जाएंगी। देखिए ये सारी कैंडल है ऊपर बनने के बाद फिर तो स्टॉक नीचे आया ना, स्टॉक नीचे आया और सिर्फ स्टॉक ने हमने लो भी ब्रेक किया, भाई यहाँ पर ये हाई बनाया और फिर ये स्विंग कर लो यहाँ पर ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, उससे भी नीचे आ गया, तो इस तरह की इन्वेस्टिंग डिसीजन से आपको लॉस हो सकता है। तो अडानी के साथ अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, अडानी को एक ट्रेंड में आना देंगे, अभी ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वीकली चार्ट पे एक आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन जब हायर हाई पैटर्न्स आपको छोटे टाइम फ्रेम पे फिर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के अंदर या फिर थोड़े से 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर स्विंग ट्रेड करना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर उस तरह के आपको पैटर्न बनते हैं तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। ये स्टॉक अभी लॉन्ग टाइम में आपको ट्रेंडिंग स्टॉक बन सकता है, एक वीकली चार्ट पर हमें ट्रेंड देखा है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, कोई भी स्टॉक मार्केट को मीन पॉइंट टू पॉइंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, अब बहुत ज़्यादा किसी के पास डेटा एनालिसिस हो बहुत सारा उसके पास डेटा हो तो मैं कह नहीं सकता, वो डेटा नहीं होता है, एक जनरल इन्वेस्टर के पास या ट्रेडर के पास जो होता है चार्ट होता है और एनएससी का दिया हुआ कुछ डेटा होता है, तो उनके सहारे हम लोग जो डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी भाई एक दिन में 10% की मूवमेंट और स्टॉक खबर में आ जाता है, और स्टॉक में खबर में आती है तो स्टॉक बाय करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं स्टॉक में लोगों को लॉस हो जाता है। तो इस स्टॉक में जो हम स्ट्रैटेजी अगर डेली चार्ट के अंदर भी अगर हमें कोई पैटर्न दिखाई देगा, कैसा पैटर्न दिखाई देगा, हम लोग सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींच लेंगे, ये हमारे दो हाई मिल रहे हैं इस स्टॉक के, निकलने दीजिए इसके ऊपर स्टॉक को, इसको पार करने दीजिए इस ट्रेंड को, लगभग यहाँ सपोर्ट लेना 800-850 के आसपास अगर ये स्टॉक निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो फिर हाँ दोबारा आपको जो है अभी इसको 100 रुपये एक मूवमेंट की ज़रूरत है, 800-850 के ऊपर ही स्टॉक दिखेगा तब हमें कोई यहाँ पे एक ट्रेंड डेवलप होता हुआ दिखाई देगा, नीचे से एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उस ट्रेंड लाइन को सारे या 20 मूविंग एवरेज या जो हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर है उससे सारे उस स्टॉक में हम लोग होल्ड करे रहेंगे, और जब देखेंगे कोई इस तरह का बियरिश पैटर्न बना उसे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो ओवरऑल एनालिसिस ये थी अडानी टोटल गैस की, चैनल पे पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इस तरह के स्टॉक में फंसना है या फिर इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में या अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक न्यूज़ में होते हैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ, उस पर की एनालिसिस मैं करूँ, कि आप भी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग म्यूचुअली एनालिसिस करके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट हम लोग सीखते भी हैं और साथ में प्रॉफिट भी बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।